पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, मैंने अभी दो दिन पहले ही इस प्रेस का नाम सुना है। मैं तो जानता नहीं कि इसका क्या काम है और क्या करते हैं। अगर ये धार्मिक किताबें छापते हैं तो छापें, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये चैरिटी करते हैं तो करें, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये गॉडसे को हाईलाइट करते हैं या गॉडसे का अनुयायी है तो हमें एतराज है। ये देश बापू का देश है। ये देश एक रंग बिरंगी फूलों का गुलदस्ता है। इसे कोई भी एक दूसरे से अलग करेगा तो देश की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हम तो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब और जो बापू ने हमें रास्ता दिखाया, हमारे बुजुर्गों ने रास्ता दिखाया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अनुयायी हैं। अगर कोई इसे डिस्टर्ब करता है तो हम उसके खिलाफ। सवाल भोपाल से एक वीडियो वायरल हुआ था, हिंदू युवक को गले में पट्टा डाल के सड़कों पे घुमाया। ये ऐसे वाक्यों की मैं निंदा करता हूँ, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे वो मुसलमान के साथ हो। मुसलमानों को कितना लिंचिंग करी गई है, कितने मुसलमान मार दिए गए कि जय श्री राम के नारे लगाओ। जिन्होंने किया उनके घरों में बुलडोजर चला क्या? 2024 की तैयारी है। उस घरों में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कसूर था? जिनके वो घर थे, जो वहां पे लोग रहते थे, किराए का अगर किसी के पास कमरा था किराए का कमरा भी तोड़ दिया मालिक मकान का बगैर पूछे। तो ये सिर्फ 2024 के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जिसमें कानून को इन्होंने ताक में रख दिया है। कानून की कोई जरूरत नहीं है। फैसले सरकार करेगी और पुलिस को ऑर्डर करेगी और पुलिस उसको अंजाम देगी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम अपने देश में डेमोक्रेसी बचाने की बहुत बड़ी मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। एक और हमें आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी ताकि हम अपने संविधान को, अपने देश के प्रजातंत्र को, अपने देश के गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत को बचा सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।